आज क्यों आ रही है धोनी की इतनी याद? भारत की हार के बाद क्यों ट्रेंड करने लगे माही? खैरात में नहीं चाहिए जीत, लड़कर जीतने की है आदत, इसलिए आ रही है धोनी की याद। आज धोनी होते तो नहीं होता टीम इंडिया का ये हाल। दोस्तों, आज हमें पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की याद क्यों आ रही है, भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ हार के बाद क्यों आ रही है सबको धोनी की याद, तो हम आपको बता दें इन चार वजहों से आ रही है हमें धोनी की याद। नंबर एक, जब ऋषभ पंत श्रीलंकाई पारी के आखिरी ओवर की पांचवी गेंद पर विकेट के पीछे से थ्रो मारने में नाकाम रहे थे, तब हम भारतीय फैंस को आपकी याद आ गई थी। ऐसा ही कुछ आपने 2016 T20 विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ किया था और भारत यह मुकाबला जीत गया था। अगर ऋषभ पंत वहां सटीक थ्रो मार देते तो भारतीय टीम जीत सकती थी। आपको 2016 T20 विश्व कप तो याद ही होगा दोस्तों, जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच हुए मुकाबले में अंतिम गेंद पर धोनी ने दौड़ते हुए खिलाड़ी को रन आउट कर दिया था और भारत को हारे हुए मुकाबले में एक रन से जीत दिला दी थी। जब ऋषभ पंत ऐसा नहीं कर सके तो एक बार फिर क्रिकेट प्रेमियों को महेंद्र सिंह धोनी की याद आ गई और ट्विटर पर उनके नाम की बाढ़ आ गई। नंबर दो, कैप्टन कूल। इस एशिया कप में हमने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को काफी हताश, भ्रमित और परेशान देखा। उनके चेहरे पर दबाव साफ दिख रहा था। वह हर एक गेंद के बाद अपने गेंदबाज के पास दौड़कर जा रहे थे। यहाँ पर हमें धोनी की बहुत याद आई। चाहे कितने भी मुश्किल हालात रहते थे, धोनी के चेहरे पर शिकन नहीं दिखती थी और ना ही वो अपने खिलाड़ियों पर दबाव आने देते थे। इस तरह के सिचुएशन में एक कप्तान को कैसे रहना चाहिए, धोनी ने ये पूरी दुनिया को बताया। धोनी की कप्तानी बहुत याद आती है, जब वो चौंकाने वाले फैसले लेते थे और टीम को हारे हुए मुकाबले जितवा देते थे। धोनी ने कई बार ऐसा किया है। वो मैदान पर जितने शांत दिखते थे, अंदर से उतने शांत होते नहीं थे। उनके दिमाग में तो तूफान उठ रहा होता था और वो सोचते रहते थे कि कैसे अपनी टीम को जिता दें। इसीलिए आज हमें धोनी की याद आ रही है। नंबर तीन, खिलाड़ियों से उनका बेस्ट निकलवाना। धोनी ने अपनी कप्तानी में कितने खिलाड़ियों को मैच विनर बनाया, खिलाड़ियों से कैसे उनका सर्वश्रेष्ठ निकलवाना है ये धोनी बखूबी जानते थे। आज अगर हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा स्टार ऑलराउंडर कहलाते हैं तो धोनी का उसमें बड़ा योगदान है। धोनी खुद एक मैच फिनिशर थे, लेकिन उन्होंने हार्दिक और जडेजा को भी इस रोल के लिए तैयार किया। धोनी दबाव में अपने खिलाड़ियों से बेस्ट निकलवा लेते थे। ये कला सिर्फ धोनी में ही थी। इसका मूल मंत्र था अपने खिलाड़ियों पर भरोसा करना, उनका समर्थन करना। धोनी ने कई मैचों में इसका उदाहरण दिया। आपको 2007 T20 वर्ल्ड कप फाइनल तो याद ही होगा, कैसे धोनी ने अंतिम ओवर जोगिंदर शर्मा को दिया था और कैसे भारत ने वो मुकाबला जीत लिया था, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। इसीलिए धोनी को एक कप्तान नहीं बल्कि एक लीडर कहा जाता है। इस एशिया कप में रोहित शर्मा अपने खिलाड़ियों से बेस्ट नहीं निकाल सके, यही कारण है कि आज हम धोनी को इतना मिस कर रहे हैं। नंबर चार, धोनी की स्पष्टता और दूरदर्शिता। धोनी कमाल के कप्तान थे। वो फैसले लेने से जरा भी नहीं हिचकते थे। उनके फैसलों में स्पष्टता रहती थी और वो प्लानिंग के साथ मैदान पर उतरते थे और उनकी प्लानिंग में रत्ती भर भी चूक नहीं होती थी। उन्हें पता होता था किस खिलाड़ी का क्या रोल है और वो गेम को रीड करते थे और अपनी दूरदर्शिता से सटीक फैसले लेने में उन्हें महारत हासिल थी। कभी कभी हमें लगता था ये क्या कर दिया धोनी ने, ये कैसा फैसला ले लिया, लेकिन अंत में उनका फैसला सही होता था और भारत मैच जीत जाती थी। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ रन चेज में वो खुद युवराज सिंह से पहले बल्लेबाजी करने आए और नाबाद 91 रनों की पारी खेलकर भारत को ऐतिहासिक जीत दिला दी। धोनी का वह विनिंग सिक्स क्या कोई भारतीय भूल सकता है? ये सब चीजें आज के कप्तानों में नहीं दिखती है और इसीलिए हमें आप याद आते हैं धोनी। महेंद्र सिंह धोनी जैसा खिलाड़ी शायद ही हुआ और शायद ही भविष्य में कोई आए। धोनी, आपने अपने दिमाग और हुनर के बलबूते भारतीय टीम को कई मुकाबलों में जीत दिलाई है। कई मौकों पर क्रिकेट प्रेमियों ने देखा है कि आपने विकेट के पीछे से भारत को मैच में जीत दिला दी। यही वजह है कि आज सभी भारतीय फैंस आपको याद कर रहे हैं। माही भाई, हमें पता है आपने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन कम से कम टीम इंडिया का मेंटोर या फिर कोच बन जाओ,
कुछ नहीं तो बस टीम इंडिया से जुड़ जाओ, वहाँ टीम के साथ रहो। आज टीम को आपकी जरूरत है, भारत को आपकी जरूरत है। आज अगर आप होते तो टीम इंडिया को ये दिन नहीं देखना पड़ता। प्लीज धोनी आ जाओ। दोस्तों आपका क्या कहना है? क्या आप चाहते हैं कि धोनी किसी न किसी वजह से टीम इंडिया से जुड़ जाए? क्या आप चाहते हैं कि धोनी टीम इंडिया के मेंटोर या फिर कोच की भूमिका में नजर आए? मैं तो पूरी तरह से चाहता हूँ कि धोनी आ जाए और टीम इंडिया से जुड़ जाए। आप क्या चाहते हैं कमेंट करके हमें बताएं। दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों और रिकॉर्ड्स के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल चक दे क्रिकेट। धन्यवाद।